दिल्ली में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करके लौटे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज आम आदमी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। विज ने आम आदमी पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। वहीं अनिल विज ने कहा कि हमारी राजधानी में ऐसी सरकार बैठी है जिसे जनता दोबारा मौका नहीं देना चाहती। देखिए, किसी भी मंत्री का ओएसडी बिना मंत्री की सहमति के पैसे नहीं ले सकता। अब ये पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर आई थी और भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है दिल्ली में। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी वहां से और ऐसी सरकार को दिल्ली, जो कि हमारी राष्ट्रीय कैपिटल है, उसमें बैठने का मौका कभी नहीं देगी। केजरीवाल द्वारा नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध करने की जगह रोजगार की बात करने पर भी विज ने कटाक्ष किया। विज ने कहा कि केजरीवाल लगातार देश हित में हो रहे कार्यों का विरोध कर रहे हैं, फिर वो चाहे बालाकोट हमला हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक और या फिर धारा 370 को खत्म किया जाना। देखिए, जो केजरीवाल है ये लगातार जो देश हित में काम किए जाते हैं उनका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो बालाकोट पर हमने हमला किया हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक किए हो, चाहे हमने धारा 370 को खत्म किया हो और यहां CAA बनाया हो। CAA केजरीवाल के लिए हमने नहीं बनाया, CAA उन लोगों के लिए बनाया है जो पड़ोस के देशों से प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में आ गए और नरक की जिंदगी जी रहे थे, उनको जिंदगी देने का बिल हमने पास किया है। तो इससे केजरीवाल को तकलीफ तो हम समझ सकते हैं। वहीं देश भर में पैर पसार रहे कोरोना वायरस को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम इसे ट्रेस कर रहे हैं और जितने भी लोग चाइना से वापस भारत आ रहे हैं या हरियाणा आ रहे हैं उन सबकी मॉनिटरिंग की गई है। विज ने स्पष्ट किया कि अभी तक कोई भी मामला पॉजिटिव नहीं आया है, जिनमें छोटे मोटे लक्षण पाए गए हैं उनके सैंपल जाँच के लिए भेज दिए गए हैं। सारा जो कोरोना वायरस का है हम सारा ट्रैक कर रहे हैं, जितने भी चाइना से लोग वापस आ रहे हैं उन सारों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी तक कोई भी केस पॉजिटिव नहीं निकला है। हम जिसमें छोटे मोटे लक्षण पाए जाते हैं उनके सैंपल भेज रहे हैं पुणे लैब में, पर अभी तक कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला।